What's happening guys? तो guys, आज हम लोग एक नए स्कूल बनाने वाले हैं। वो स्कूल को हीरो ब्रांड ने खरीदा है, एक बहुत पुराना स्कूल हीरो ब्रांड ने खरीदा है और हीरो ब्रांड उस पे अपना कोई स्टोर खोलने वाला था। तो हीरो ब्रांड से मैंने वो अपार्टमेंट मांग लिया है कि मैं वहाँ पर स्कूल बनाऊंगा, तो मेरे को बहुत आराम से दे दिया है, बस 10 डायमंड में। बहुत लालची है हीरो ब्रांड। और पहले भी उसमें स्कूल था, वो स्कूल का नाम था मॉन्स्टर स्कूल। ये घर के पीछे ये वो स्कूल, और वो स्कूल ना बहुत पुराना है, वहाँ पर मेरे को जाने से डर लगता है, पर देखो वो है। इसको हीरो ब्रांड ने 8 डायमंड देके खरीदा है और 10 डायमंड मेरे को बेच दिया, 2 डायमंड का उसको फायदा हो गया। दिमाग तो अच्छा लगाया था। और ये है वो स्कूल, ये पूरा अंदर से पूरा अंधेरा अंधेरा है। इसको हम लोगों को टॉर्चेस लगाने पड़ेंगे, ग्लासेस फिर से साफ करने पड़ेंगे। ये देख लो भाई कितना अंधेरा है इधर। और गाइस मैं टीचर रहूंगा ये स्कूल का, और मैंने सोचा है कि मैं हिंदी पढ़ाऊंगा और मेरे को स्टूडेंट्स भी चाहिए होंगे, तो मैं विलेजेस लोग को जाकर बोलने वाला हूँ कि अपने बच्चे लोग को भेजो मेरे स्कूल में। उससे पहले तो मेरे को स्कूल बनाना पड़ेगा पूरा अच्छा से, तो चलते हैं। पहले तो मेरे को स्कूल को उजाला करने के लिए बहुत सारे टॉर्चेस चाहिए होंगे। भाई तू वहाँ पर क्या मंत्र फूंक रहा है? भाई मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊँगा अंदर। अब चलते हैं, मेरे ट्री हाउस में बहुत सारे होंगे टॉर्चेस, वहाँ से वो ले लेंगे। और भी मेरे को बुक्स वगैरह चाहिए होगा, मेरे पास अभी इतने सारे बुक्स है। कम से कम बहुत सारे बच्चे चाहिए मेरे को, मैं बहुत सारे लोगों को हिंदी पढ़ाऊंगा आज। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पर ट्री हाउस में, और यहाँ पर मेरे को चाहिए होगा बहुत सारे टॉर्चेस, वरना कॉल भी मिल जाए तो मैं आराम से बना लूंगा। भाई ऊपर मेरा सामान नहीं, नीचे ही होगा आधा का आधा सामान। यहाँ पर चेस्ट कहाँ पर है? हाँ यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइस मैं एक स्टैक टॉर्चेस ज्यादा ले लिया हूँ, और चलते हैं वो स्कूल में, वहां जाके लगाते हैं टॉर्चेस, क्योंकि भाई वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा है और अंधेरे से मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लगता है, इसलिए मैं अंधेरे में कैसे पढ़ा पाऊंगा। हम लोग आ गए स्कूल में, चलो खोलता हूँ मैं ये स्कूल। और देखो भाई कितना अंधेरा है यहाँ पर टॉर्च रखो और लगाते जाओ। ऐसे ही नाम इसका मॉन्स्टर स्कूल था नहीं, जल्दी से हम लोग यहाँ पर टॉर्चेस लगाते हैं। स्कूल में डाइनिंग टेबल क्या कर रहा है? हर जगह टॉर्चेस भर दो भाई, एक भी ज़ॉम्बी स्पॉन नहीं होना चाहिए ना, एक भूत। और ऊपर क्लासेस है, ऊपर ही मेरे को ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहीं पर क्लासेस है। ये सब डोर के पीछे ये देख लो, यहाँ पर नहीं, ये मैं यहाँ पर एक क्लासेस देखा था। हाँ देखो ये पूरा एक भयंकर क्लास है जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ, इस पर टॉर्चेस लगा देते हैं। यहाँ पर भी अब ब्लैक बोर्ड के पास भाई लगा दो। लगा दिया हम लोगों ने यहाँ पर टॉर्चेस, और भी हम लोग जगह जाके लगा देते हैं पूरा भयंकर टॉर्चेस। भाई एक भी स्पॉन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी लगता है छोटे क्लासेस है। स्कूल में बेड कौन बनाता है भाई? कैसा खरीद लिया हीरो ब्रांड ने, सब मेरे को ठीक कराना पड़ेगा। ये स्कूल ने किसी का घर लग रहा है, बस एक ही क्लासरूम मिला है मेरे को, बाकी सब तो बेकार की चीजें भरी हुई है। मैंने क्लासरूम तो बना लिया है पूरा अच्छा से, और अभी चलते हैं विलेजर्स लोग के पास, उन लोगों को बोलना भी है कि अपने बच्चे लोग को भेजो मेरे स्कूल में। फीस में उन लोगों से एक जरा नहीं लूंगा, बस एक एमरल्ड, और वो भी जो दे पाएगा देगा। मैं ये भूल गया आया कहाँ से था, यहाँ यहीं से आया था, चलो नीचे। ओ तेरी ये कौन है? अरे एक बच्चा है ये तो, अरे भाई गंदा बच्चा लग रहा है ये। गंदे बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ ले, मैं तेरे को विद्यार्थी बना दूंगा। भाई ऐसे बच्चे लोग के सामने मैं कैसे इन लोगों को पढ़ाऊंगा? ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे तो मैं मारना भी नहीं चाहता बच्चे को। चलो हम लोग चलते हैं इधर से और जाते हैं विलेजर्स लोग के पास। ये किसका बच्चा है भाई, मेरे को मारने में तुला हुआ है, और ऐसे बच्चे तो मेरे को दिखते भी नहीं है ज्यादातर, नाक लंबे वाले बच्चे दिखते हैं जो विलेजर के होते हैं। भाई मत मारो, सो भी मेरे पास नहीं था रेड कार्ड, मैं तू ज्यादा नहीं कर पाएगा कुछ मेरा, मैं जा रहा हूँ भाई विलेज जा रहा हूँ, उड़ के चलते हैं, पीछा नहीं कर पाएगा। हेलो विलेजर्स, विलेजर्स यहाँ नहीं मिलेंगे, सब मेरे मॉडर्न हाउस में ठूस के भरे हुए होंगे, सबको तो मॉडर्न हाउस ही ना पसंद है। एक मिला, दो है भाई। आप क्या, आपके पास बच्चा है? मेरा पूछने का अंदाज गलत है भाई, मतलब कि आपका बच्चा है क्या? अगर आपको बच्चा है तो मेरे स्कूल में जो भेजना वो एक्सपी फार्म के पीछे है, मैं वहाँ पर एक एमरल में अच्छे से पढ़ा दूंगा। मैं हिंदी टीचर हूँ और वहाँ पर बहुत सारे और भी टीचर्स आएंगे, हीरो ब्रांड तो मैथ पढ़ाने वाला है। और ऐसे ही मैं बहुत सारे विलेजर्स लोग के पास जाके पूछा, और कुछ विलेजर्स बोले कि वो अगले दिन से आ जाएगा बच्चे लोग। एक गंदा बच्चा तो इधर भी है।
हमारा दूसरा दिन हो चुका है और चलते ही है स्कूल में। लेट्स गो गाइस, हमारे यहाँ पर आज दूसरा दिन है और यहाँ पर उन विलेज लोग ने बोला है कि वो अपने बच्चे लोगों को भेजेंगे मेरे स्कूल में, बस इंतजार करना है। टाइमिंग दिया था मैं उन लोगों को 8 बजे का और अभी तो 7:30 ही हो रहे हैं, तो मैं अपने क्लासरूम में यहाँ पर रेडी रहता हूँ और आने दो बच्चे लोग को, मैं पढ़ाऊंगा एकदम भयंकर। A few moments later. और गाइस बेबीज आ चुके हैं मेरे क्लास में और ये थोड़े एक्साइटमेंट लग रहे हैं। और गाइस आज मेरे को हथियार नहीं रखना है अपने पास, आज मैं कलम से पढ़ाऊंगा। आज मेरे पास है 8 डिस्ट्रिक्ट और 6 बच्चे, अब मेरे पास 6 कुर्सियां ही थी और ये लोग देखो वहां पर उछल रहे। आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ हिंदी और ये वही शरारती बच्चे, इसलिए मैं यहाँ पर मैं फेंस बांध लिया क्योंकि ये अंदर घुस के कब मरमासे करने लगे मेरे को पता ही नहीं चलेगा। और आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा 1 2 पूरा गिनती हिंदी का 30 तक सिखाऊंगा मैं तुम लोगों को। Nice. बहुत लोगों को हिंदी में गिनती नहीं आती। अरे यहाँ कैसे घुस गया भाई, नहीं आ जा और इसको बंद कर लो। चलो अब मैं नहीं आने वाला तुम लोगों के चुंगल में, तुम लोग यहाँ पर बुला के अंदर घुस जाते हो, ठीक है। आज मैं पढ़ाऊंगा हिंदी 1 to 30 इन हिंदी पढ़ाऊंगा। देखो शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जो 0 है वो आर्यभट्टा ने इन्वेंट किया था, हमारे इंडियन आर्यभट्टा ने। मैं सही हूँ ना, कमेंट सेक्शन में बताना, गलत होगा तो माफ कर देना भाई। अगर 0 नहीं होता तो आगे काउंटिंग हो नहीं पाता, जैसे कि फिर 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो बोलो फिर से जो मैं बोल रहा हूँ वो रिपीट करो, जो मैं 20 तक तुम लोगों को सिखाया अब बोल के दिखाओ। वेरी गुड, एक बार में सीख लिया, वाह भाई वाह। 20 27 28 29 30, तुम लोगों को 30 तक मैंने काउंटिंग सिखाया है, अब फिर से बोल के दिखाओ पूरा 30 तक और उछलना बंद करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 28 29 30, तुम लोगों ने थोड़ा गलत बोला है पर सही है, तालियां। चलो आज की क्लासेस यहीं पर खत्म होती है, तुम लोगों को काउंटिंग सिखा दिया मैं और एक महीना बाद नहीं, अब कल मिलते हैं, एक महीना बाद कब मिलेंगे, अब तो बाहर जाने में डर लग रहा है, ये लोग मेरे पे हमला कर देंगे भाई। यहाँ से अपना एक्स लेता हूँ और मारना नहीं है किसी को, बस मेरे को यहाँ से तोड़ के निकलना है। खोलो और इसको मैं यहाँ से तोड़ो, सॉरी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए को ना तो जरूर से सब्सक्राइब लाइक से कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही देना। और गाइस अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।